हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम देखने वाले, सीखने वाले, डिस्कस करने वाला अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की भाई एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग आखिर क्या होता है। इसकी थोड़ी बहुत झलकियां दोस्तों इस टॉपिक की मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दी थी, थोड़ी बहुत आइडिया आपके दिमाग में डाल दी थी कि भाई एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग क्या होता है इन द वीडियो वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट हायरार्किकल क्लस्टरिंग। लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ विद एन सॉल्ड एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रखा है कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल कंसिडर किया उसकी साइज काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू माई बोर्ड साइज, बराबर। तो इसलिए थोड़ा सा बोर्ड साइज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आधा जो है एग्जांपल पार्ट वन में सॉल्व किया है और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एग्जांपल है उसे मैंने पार्ट टू में सॉल्व किया। फाइनल आंसर आपको पार्ट टू में देखने को मिल जाएगा। इसे मैंने स्टेप वाइज इन डिटेल सॉल्व करने की कोशिश की, कुछ भी स्कीप नहीं करना चाहता मैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छी तरह समझेंगे स्टेप वाइज कि क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में आपको पता होनी चाहिए। सारी की सारी इन डेप्थ डिटेल आपको मैं इन पार्ट वन एंड पार्ट टू में देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है वो है एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग सिंगल लिंकेज टेक्निक, सिंगल लिंकेज या फिर सिंगल लिंक टेक्निक जिसे आप कह सकते हो, उसके बारे में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, क्या-क्या चीजें। इनिशियली आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिए होंगे, इस एग्जांपल में 5 डेटा पॉइंट्स हमने कंसीडर किए होंगे। उन डेटा पॉइंट्स का नाम है P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे। तो इनिशियली हम वो कंसीडर करते हैं, उसके बाद वी कीप ऑन मेकिंग देयर क्लस्टर्स, तब तक क्लस्टर्स बनाते जाते हैं इन अ हायरार्की फॉर्मेट, तब तक क्लस्टर बनाते जाते हैं जब तक वी फाइनली कम across only one single big cluster which comprises of all the individual data points that we were considering initially। जो हमने इनिशियली कंसिडर करके रखा था वो फाइनली आपके एक ही क्लस्टर में सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसे आप अल्टीमेट टर्मिनेशन कंडीशन कह सकते हो। तो ये अप्रोच क्या हुआ, बॉटम अप अप्रोच हम फॉलो करते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में, ठीक है। तो अभी इनिशियली इस प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है वो देखते हैं। दिस इज द गिवन थिंग जिसमें हमारे 5 डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से प्लॉटेड है। इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स, जो कि बताता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, बराबर। तो कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस है एक तरीके से आप उसे ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। तो जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है दोस्तों वो जीरो होंगे, बराबर, बिकॉज P1 का P1 से डिस्टेंस जीरो, P2 का P2 से डिस्टेंस, सो द पॉइंट हैविंग The distance with itself is actually considered to be zero, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे diagonal element जो है वो zero consider किए हुए हैं। और उसके बाद P1 का P2, मतलब P1 और P2 के बीच में, दोनों points के बीच में कितना distance है, 9। P1 और P3 इन दो points के बीच में कितना distance है, 3 units का distance है। P1 और P4 के बीच में कितना, 6 units का distance है। तो इस तरीके से हमने सारे distances define यहाँ पे किए हुए हैं इस given distance matrix में। अब अगला step क्या है, what we have to do in the next step, that is very important। तो अभी हमें क्या करना है, लीव द डायगनल एलिमेंट्स, डोंट फोकस ऑन डायगनल एलिमेंट। जो बाकी के आंकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स के हाफ में, ये जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं इसमें से आपको क्या चुनना है कि भाई कौन सा आंकड़ा सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है 2। 2 इज द नंबर विच इज स्मॉलर देन एनी अदर नंबर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स, सबसे छोटा 2 है, बराबर। तो मैंने 2 सिलेक्ट किया। तो अभी 2 किसका डिस्टेंस है, किन दो पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो वो देखना है P3 है और P5 है, P3 है और P5 है, यानी P3 और P5 अगर मैं लूंगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें क्लस्टरिंग करनी है। मतलब अगर मेरे यहाँ पे P1 पॉइंट है, सॉरी व्हाट इज इट, P3 पॉइंट ना, तो अगर मेरे यहाँ पे P3 पॉइंट है और यहाँ पे P5 पॉइंट है, बराबर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का है, तो मैं अभी इनका एक क्लस्टर फॉर्म करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ देम। अभी इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय डेंड्रोग्राम, जो मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ी बहुत उसकी आईडिया आपको दी थी। तो डेंड्रोग्राम हम लोग यहाँ पे बिल्डअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो वी विल गो टिल हेयर एंड मार्क इट लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने क्लस्टर फॉर्म कर दिया, कितने का था ये, 2 यूनिट डिस्टेंस का था, किसके बीच में क्लस्टर फॉर्म कर दिया, P3 और P5, इन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में एक क्लस्टर फॉर्म हो चुका है, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया, ठीक है। अब ये क्लस्टर फॉर्म हो गया, तो यहां पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाला जो एरो आपको दिख रहा है, तो उसके बाद जो आपको डेटा मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट करनी है। अभी कैसे कैलकुलेट करनी है वो यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्लस्टर करने के बाद पॉइंट्स कैसे बनते हैं, P1 एक है, P2 एक है, ये क्लस्टर है P3 P5 का और P4 एक है, बराबर। उसी तरीके से P1 एक है, P2 एक है, P3 P5 का क्लस्टर है और P4 एक डेटा पॉइंट है, बराबर, इस तरीके से। अभी इसके भी सिमिलरली जो डेटा डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो भी ऑब्वियसली जीरो होंगे, ठीक है। P2 और P1 के बीच का डिस्टेंस हमें पहले से पता है, P1 एंड P2 के बीच का डिस्टेंस 9 पहले से पता है, बराबर। P4 और P1
पी फोर और पी टू इन दोनों का डिस्टेंस 6 और 5, 6 और 5, ये पहले से हमें पता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि भाई ये जो क्लस्टर है, जो फॉर्म्ड क्लस्टर है, मतलब अभी ये जो P3 P5 ये जो मेरा क्लस्टर है और ये जो मेरा पॉइंट P1 है जो अभी किसी क्लस्टर में नहीं है, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है ये अभी हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। और यहाँ पे कुछ फिगर लिखा हुआ मैंने 3, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया भाई, कहाँ से प्रकट हो गया ये? नहीं, प्रकट नहीं हुआ, इसके लिए हमने थोड़े बहुत स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो हमने क्या किया, P3 P5 ये जो क्लस्टर है इसका पॉइंट P1 से कितना डिस्टेंस है, मतलब कितनी दूरी पे, ये अभी हमें फाइंड करना है। और वहां पे इन दिस डिस्टेंस मैट्रिक्स हमें वो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करना है जो कि यहाँ पे 3 आया। तो वो कैसे आया, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था सिंगल लिंकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग मिनिमम। और जब हम कंप्लीट लिंकेज यूज करते हैं तो वहां पे हम मैक्सिमम यूज करते हैं, तो यहाँ मैंने मिनिमम यूज किया हुआ है। सी हाउ इट इज डन, सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट P1 एंड द क्लस्टर P3 एंड P5, बराबर ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। अब हम इसे क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस इन बिटवीन P1 P3, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन बिटवीन P1 एंड P5, बराबर कैसे, एंड उसमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा फाइनली यहाँ पे आंसर की तरह छप जाएगा, बराबर। तो हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P1 P3 ओके, P1 P3 इसका डिस्टेंस, फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ P1 P5 ओके। अब इन दोनों में से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि भाई P1 P3 कितना है, ये तो हमें पहले इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स से पता चल जाएगा, P1 और P3 तो वो 3 है, तो वो मैंने 3 लिख दिया। डिस्टेंस ऑफ P1 P5 तो वो 11 है, वो लिख दिया। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो वो 3 है, तो फाइनली ये जो यहाँ पे आंसर आया है वो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए। तो यहाँ पे सिंगल लिंक टेक्निक हम यूज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे मिनिमम आया है। अगर मैं कंप्लीट लिंक टेक्निक को यूज करता तो यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम आता और यहाँ पे 3 की जगह आंसर 11 आता। अभी समझ में आया कि क्या हो रहा है, किस तरीके से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। अब अगला देखते हैं, तो चलो ये वाली तो जगह हो गई फिक्स, दिस वन इज डन। लेकिन उसके बाद P3, मतलब जो ये मेरा P5 ये जो क्लस्टर है इसका डिस्टेंस मुझे P2 से फाइंड करना है, मतलब ये P2 पॉइंट। P1 के साथ तो चलो मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, लेकिन P2 के साथ कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे आंकड़ा मैंने 7 लिखा हुआ है, वो कैसे आएगा? तो सिंपल सी बात है, व्हाट यू हैव टू डू, वही सेम फंडा लेना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम द क्लस्टर P3 P5, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम द क्लस्टर P3 P5। कैसे करेंगे, वही फंडा कि ये जो P2 है P3 के साथ पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये जो P2 है उसका P5 के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, तो दोनों डिस्टेंस यहाँ पे आ गए और इनमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो P2 P3 देखते हैं, यहाँ पे क्या है P3 P2 तो इट इज 7, तो मैंने 7 लिख दिया। फिर P2 P5 P5 P2 तो यहाँ पे 10 है, तो 10 लिख दिया, और 7 और 10 में से मिनिमम कौन सा 7, तो ये मेरा डिस्टेंस यहाँ पे फाइनल हो गया, बराबर। इस तरीके से डिस्टेंस आया। उसके बाद एक और चीज बचती है कि P3 P5 और P4, मतलब एक और जो पॉइंट मेरा बच गया है कि यहाँ पे 4, ये वाला जो क्लस्टर है और पॉइंट 4 इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी हमें मेंशन करना है। वो तो मैंने 8 लिखा हुआ, लेकिन ये 8 कैसे आया, सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, ओके। तो अभी मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा यहाँ पे, दिस इज हाउ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P4 विद द क्लस्टर P3 एंड P5, बराबर ये क्लस्टर है, इन द स्क्वायर ब्रैकेट इट्स मेंशनड एज अ क्लस्टर, तो कितना डिस्टेंस है वो अभी हमें निकालना है। तो मिनिमम ऑफ P4 और P3 का डिस्टेंस कॉमा P4 और P5 का डिस्टेंस, तो P4 P3 तो इट इज 9, ये 9 है, और P4 P5 तो इट इज 8, तो 9 और 8, अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा 8 है, तो 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 मेंशन कर दिया है। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया, जहां पे दिक्कत आ रही है, सी जहां पे दिक्कत नहीं आ रही, मतलब P2 P1 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, P4 P1 के बीच में, P4 P2 के बीच में जो डिस्टेंसेज है वो तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिड्राइव करके यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत जो आती है वो एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर या दूसरे पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने में दिक्कत आती है। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया वो अभी आपने यहाँ पे देख लिया, बराबर। तो यहां तक तो फंडा पहुंच गया। अब इसके बाद क्या करना है, वापस वही प्रोसीजर रिपीट करनी जो हमने यहां पे की थी। क्या, अब यहां पे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, एक तरीके से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो गए, डिस्टेंस मैट्रिक्स में डाल दिए। अब यहां पे फंडा सेम लगाना है कि इन सब में से भाई, इन सब में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम आंकड़ा कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ दो, मिनिमम आंकड़ा कौन सा है। तो यहां पे 5 है, नहीं 5 से कम तो 3 है, तो यहां पे सबसे मिनिमम जो आपको दिख रहा है वो है भाई साहब 3, इट इज नथिंग बट सिंपली 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 3 को आपको रिप्रेजेंट करना है और ये क्लस्टर किसके बीच में फॉर्म होगा ये याद रखना है। ये अगर मिनिमम आपने सिलेक्ट किया मतलब यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म होगा, लेकिन किसके बीच में, P1 और
P3, P5, मतलब कहने का ये है सिंपल सी कि यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट P1 है, यहाँ पे पॉइंट P1 है, यहाँ पे मेरा क्लस्टर P3, P5 है, तो इनका एक क्लस्टर इस तरीके से बनने वाला है, समझ में आया। और यहाँ पे कितना यूनिट डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग डेंड्रोग्राम पे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस वे, इट इज नथिंग बट P1 ना, ओके, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहाँ तक अभी हम लोगों का क्लस्टरिंग हो चुका है, till this point we have clustered। अभी इसके बाद हम लोगों को वापस क्या करना, what we are going to do, हम लोग एक तरीके से वापस से ये तैयार करेंगे, बराबर। अब इसमें क्या होगा, P1, P3, P5, ये पूरा एक cluster होगा, remaining points होंगे P2 और P4, similarly यहाँ पे भी P1, P3, P5 और यहाँ पे बचे हुए points P2 और P5, okay? समझ में आया। और यहाँ पे अभी जो कैलकुलेशन होने वाली वो अभी हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, पूरी तरीके से इसे समझने वाले हैं, और पूरा डेंड्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से हम लोग फिनिश अप करेंगे, और जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा इन द नेक्स्ट पार्ट 2। आई होप दोस्तों आपको पार्ट 1 की सारी कैलकुलेशन और मैंने जो बताया वो इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और आ गई होगी, आपकी मदद हो गई होगी, तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।